इस बार तो मुझे पक्का सेलेक्ट होना है। खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, दिन रात एक करना है, मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। पड़ोस वाले अंकल जो हर रोज़ पूछते हैं, और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, कुछ काम वाम मिला कि नहीं, या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, उनको भी तो उनके सवाल का जवाब देना है। हाँ, अब मुझे पढ़ना है। पढ़ते वक्त बार बार नींद के झोंके भी आएंगे, ये कमबख्त नींद मुझे बार बार बुलाएगी, पर मुझे तो बस एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पढ़ते वक्त दोस्त भी आएंगे, बोलेंगे क्या यार दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, चल फिल्म देखने चलते हैं, पर मुझे तो बस अब एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 8x10 के इस कमरे में टेबल पर पड़े चाय के वो खाली कप को देकर माँ के हाथ की वो चाय याद आएगी। बाहर के खाने से उब कर माँ के हाथ के वो पराठे याद आएंगे। माँ की ये यादें मुझे फिर से खींच कर घर बुलाएगी, पर मुझे तो बस एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पढ़ते वक्त मन में आएगा कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, पेपर बहुत मुश्किल है, लाखों कैंडिडेट्स होंगे, मैथ समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये सब मुझे कमज़ोर करने वाली नेगेटिविटी पर है। ये नेगेटिविटी भी मुझे कमज़ोर करने के लिए अपनी तरफ बार बार बुलाएगी, पर मुझे तो बस एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पढ़ते वक्त अपनी नाकामयाबी का बोझ लिए हुए कुछ अनुभवी और ज्ञानी लोग भी मिलेंगे, जो कहेंगे ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे ज्ञानियों की फहरिस्त मुझे अपनी ही मंडली में शामिल होने के लिए बुलाएंगे, पर मुझे तो इस बार बस एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पढ़ते वक्त मन करेगा व्हाट्सएप पर थोड़ी चैटिंग कर लूँ, फेसबुक पर एक पोस्ट देख लूँ, टिकटॉक पर एक वीडियो देख लूँ। ये सोशल मीडिया का भ्रम जाल है दोस्त, ये बार बार बुलाएगी, पर मुझे तो बस एक बात याद रखनी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। संघर्ष की अभी इस राह में ये मन मोह लेने वाली इच्छाएं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं।